सुजानपुर युवा कांग्रेस ने अध्यक्ष सचिन ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश में बस किराए में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी के विरोध में सुजानपुर एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सुजानपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते जयराम सरकार ने प्रदेश की जनता पर भारी कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 सालों में 2 बार किराया बढ़ाया गया है, जो कि एक जन विरोधी फैसला है। इसका अंजाम उन्हें 2022 की विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को वापस ले, अन्यथा युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरने और मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रियों का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेगी। आप सबको पता है कि देश, प्रदेश और दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जयराम ठाकुर जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को लूटने का और उनकी जेबों में डाका डालने का पूरा मन बनाया है। इसी कड़ी में उन्होंने 4 दिन पहले हुए कैबिनेट मीटिंग में एक जनविरोधी फैसला लिया, जिसमें बसों का किराया जो है 25% बढ़ा दिया गया है। पिछले 2-2.5 सालों के अंदर वो बसों का किराया 50% बढ़ा चुके हैं, और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज एसडीएम के माध्यम से भी हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं महामहिम राज्यपाल जी को कि वो मुख्यमंत्री जी से अपील करें। हम भी अपील करते हैं कि बसों का किराया जो है इस जन विरोधी फैसले को जो है वो जल्द से जल्द वापस लिया जाए, और अन्यथा हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस सड़कों पर उतने से भी गुरेज नहीं करेगी। धन्यवाद।